अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी। जो वीवर्स टिक्वेस्टी और बारिश का सीज़न हो या चाय के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 200 ग्राम मूंग की दाल। अब हम इसे भिगोने रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी और आधे घंटे तक हम इसे भीगने देंगे। और ये आधे घंटे तक मैंने भीगने दिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें ऐड करेंगे भीगी हुई मूंग। और ये देखिए, पूरी मूंग को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। एक ही डायरेक्शन में हमें इसी तरह से फेंटना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से फ्लफी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है कटी हुई बारीक। थोड़ा सा लेंगे कड़ी पत्ता कटा हुआ और थोड़ा सा लेंगे हरा धनिया कटा हुआ और 2 से 3 लेंगे हरी मिर्च कटी हुई और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करते जाना है। और ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक ही डायरेक्शन में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसमें मूंग दाल के पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें छोटे छोटे मूंग दाल के पकोड़े फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। पलट पलट करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तो हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए, मूंग की दाल के पकौड़ों को मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के पकोड़े बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। आप इसे सर्व कीजिए चटनी के साथ या सॉस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।